हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वर्ल्ड ऑफ फार्मेसी मोटिवेशन। सो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के इस टॉपिक का नाम है इंडस्ट्री एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। सो अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को दबा देना, मैं इसी वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। और एक बार डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से इंस्टाग्राम फेसबुक को जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको नए नए अपडेट मिलते रहती है और मैं आपसे बातें करता हूँ। आप जो भी आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करते हो वहाँ पर मैं आपको वीडियो देते रहते हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओ। और एक बार वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर देना, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करते रहते तो मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। सो इंडस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या देखती है, इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड द फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब इंडस्ट्री क्या होती है कि बिजनेस एक्टिविटी होती है और उसमें क्या वो किससे रिलेट करती है, इंडस्ट्री प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब बिजनेस से अलग अलग एक्टिविटी होती है और इंडस्ट्री एक्टिविटी किससे डील करती है, मतलब प्रोडक्शन करना, प्रोसेस करना और फैब्रिकेशन करना प्रोडक्ट का, ये कौन करता है, इंडस्ट्री करती है, उसको हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री आर बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, मतलब अलग अलग टाइप के गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उस पर इंडस्ट्री के टाइप यहाँ पर हमको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। They are involved in the activities where the wealth is obtained from soil, air, water or the beneath the earth surface by various extractive process. The goods are used by other industries, example fishing, hunting, agriculturing. मतलब extractive industries क्या है कि ये wealth मतलब ये profit कहाँ से कमाती है, soil, water, air और अर्थ के नीचे से अलग अलग पार्ट को एक्सट्रैक्ट करके और उससे अलग अलग पार्ट एक्सट्रैक्ट करते और उससे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री प्रॉफिट कमाती है और इसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। मतलब जो भी सॉइल वाटर और एयर है और जो भी अर्थ है उससे जो भी एक्सट्रैक्ट कर मटेरियल बनाकर प्रॉफिट बनाती है उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जैसे फिशिंग, हंटिंग, एग्रीकल्चरिंग। सो नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या है, दे आर प्रोड्यूस सर्टन पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर अर्निंग द प्रॉफिट फ्रॉम दैट। मतलब जेनेटिक इंडस्ट्री आपको पता होगी कि अलग अलग प्लांट के जीन बनाते हैं, अलग अलग उसके मतलब आपको देखने को मिलता होगा कि जब फार्मर्स को अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रीड मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, उस कंपनी उसको बनाया होता है और उससे वो प्रॉफिट कमाती है, उसको कम क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्री। और एनिमल की भी ब्रीड बनाते हैं अलग अलग और उससे वो ब्रीड को बेच कर और उसको जो भी जीन से पीसीज बनाते हैं, मतलब अलग अलग उस पीसीज को बेच कर वो प्रॉफिट बनाते हैं, उस इंडस्ट्री को क्या कहेंगे, जेनेटिक इंडस्ट्रीज। तो नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री बहुत सिंपल है, जो भी बिल्डिंग्स, रोड, डैम बनाने में इन्वॉल्व होती है कंपनीज उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इन्वॉल्विंग इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड्स। मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या होती है, रॉ मटेरियल को एक फाइनल प्रोडक्ट और गुड्स में कन्वर्ट करने वाली सभी इंडस्ट्री को क्या हम कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो उसके सब क्लासेस है, सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्री मतलब क्या है देखते हैं, इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट बाय एनालाइजिंग और सेपरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेम प्रोडक्ट। मतलब से एनालाइजिंग और सेपरेट करके जो अलग अलग एलिमेंट सेम मटेरियल से उसको हम क्या कहेंगे, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। उसके हम एग्जाम्पल है फैब्रिकेशनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का आपने देखा होगा कि उससे अलग अलग टाइप के ऑयल बनाने और उसको सेपरेट करके बनाते हैं, उसको एनालाइजिंग करके हम उसको क्या कहेंगे, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। तो सेकंड है सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। वेरियस इंग्रेडिएंट आर पुट टुगेदर टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट। मतलब अलग अलग इंग्रेडिएंट को साथ और एक साथ लेकर क्या बनाते हैं, उसको सिंथेसिस कर क्या करते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसको क्या कहेंगे, सिंथेटिक इंडस्ट्री। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या हम देखते हैं, आरएम रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब रॉ मटेरियल को क्या करना है, अलग अलग स्टेजेस से प्रोसेस कर उसका प्रोडक्ट बनाना है। एग्जाम्पल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, डी असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज, द कंपोनेंट आर असेंबल्ड टुगेदर। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हम उसको कहते हैं असेंबली लाइन इंडस्ट्री। मतलब इन दिस इंडस्ट्री डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट और कंपोनेंट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर आर असेंबल्ड।
मतलब अलग अलग कंपोनेंट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उसको सिर्फ साथ बनाकर साथ कर एक साथ जोड़कर उसको हम असेंबल करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे असेंबली लाइन इंडस्ट्रीज, जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट हमें मिलते हैं और उसको हम साथ जोड़कर कंप्यूटर बना देते हैं, उस इंडस्ट्री को क्या कहेंगे हम असेंबली लाइन इंडस्ट्री। सो आज के पार्ट में हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से देखते हैं इंडस्ट्री की डेफिनेशन। देखिए इंडस्ट्री मतलब जो प्रोडक्शन प्रोसेसिंग फैब्रिकेशन में रिलेट होती है, प्रोडक्शन बिजनेस एक्टिविटी, मतलब सिंपल में बात तो करता हूँ कि बिजनेस एक्टिविटी जो रिलेट करती है प्रोडक्शन प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में, और उसके अलग अलग टाइप है, एक्सट्रक्टिव इंडस्ट्री, जेनेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, उसके सब पास एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबली लाइन इंडस्ट्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाकर मुझे फॉलो कर लो, आकर मुझसे बातें कर लो, कनेक्ट हो जाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी।